दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। दोस्तों आज का वीडियो जो हमारा सीरीज कंटिन्यू है, आज पार्ट 12 है उसका, तो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना उसको और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डेली हमारी प्रैक्टिकल वीडियोज आ रही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो क्या होता है, जो भी कंक्रीटिंग हमारा होता है उसका जो स्टार्टिंग जो सेटिंग टाइम रहता है हमारा, वो रहता है 30 मिनट। मतलब 30 मिनट बाद सीमेंट हमारा सेटिंग हो जाता है, मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम जो रहता है हमारा। फिर हमारा फाइनल सेटिंग टाइम रहता है 10 आवर या 600 मिनट। अगर देखो कई जगह क्या होता है, टीएम मतलब दूर से आता है, जहां कंक्रीट आपको टाइम लग रहा है सेट ना हो जाए, इसलिए हम उसमें क्या यूज करते हैं, रिटार्डर। वो क्या करता है, मतलब जो सेटिंग टाइम होता है उसका स्लो कर देता है सेटिंग टाइम को। तो एक एग्जाम्पल हम लें, अगर रिटार्डर, एक शुगर का भी एक इस पर वीडियो डाला था मैंने शुगर पे कि रिटार्डर होता है, तो एक शुगर भी रिटार्डर होता है। तो कभी भी अगर आपको सेटिंग टाइम स्लो करना है कंक्रीट का, तो आपको रिटार्डर यूज करना है, ठीक है। तो उसमें काफी कंपनीज होती हैं जो बनाती हैं, सिक्का है, फॉसरॉक है, डॉक्टर फिक्सिट का भी आता है, तो काफी कंपनीज है जो रिटार्डर यूज करती हैं, आप उसको यूज करो। ये आप बेसिक पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। अगला जो एक टिप आपको पता होना चाहिए वो है कि जो मिनिमम आपको स्लैब होती है, जो कोई भी घर की स्लैब बना रहे हैं, घर है हमारा, तो उसकी जो थिकनेस रखनी है वो 5 इंच या 125 mm रखनी है। अगर उससे कम आप रखते हो तो होगा क्या, जब भी आप देखोगे कि जब भी छत पे चलोगे आप कभी, तो जोर से पांव मारोगे तो एक वाइब्रेशन जैसी होती है, तो वो वाइब्रेशन दिखती है और वो सेफ भी नहीं रहती है। कि अगर 125 mm से हम कम स्लो स्लैब देते हैं, छत डालते हैं, तो वो सेफ नहीं रहती। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, तो पूछा ही जाता है कि उसका क्या रहती है स्पेसिफिकेशन। 100 mm ऊपर होता है, 100 mm डायमीटर ऊपर का रहता है, 200 mm डायमीटर नीचे रहता है, 300 mm उसकी हाइट रहती है, जो रॉड यूज करते हैं हम 600 mm वो लंबी होती है, और 16 mm उसकी डाया होता है। ये तो क्वेश्चन सबको पता भी होंगे और पूछे भी जाते हैं। एक क्वेश्चन इसमें क्रिएट होता है कि क्यों हम फ्रस्टर में ही बनाते हैं उसको, मतलब ये कोन ही क्यों बनाया, इसको हम सिलेंड्रिकल क्यों नहीं कर लेते थे। जो हमारा स्लम टेस्ट या कोन टेस्ट होता है किसके लिए हम करते हैं, वो करते हैं हम उसकी वर्केबिलिटी जानने के लिए। वर्केबल मतलब वो कंक्रीट वर्केबल है कि नहीं, अगर उसको आप बीम में डाल रहे हो प्रॉपर वे से, बीम में आप डाल पा रहे हो नहीं पा रहे हो, उसकी अच्छे से कॉम्पैक्शन हो रही पा रही है नहीं हो रही है, या ये तो नहीं है कि कोइजन मटेरियल मतलब एग्रीगेट कहीं जा रहा है, सीमेंट कहीं, सैंड कहीं, तो ये चीज हम कोन से, कोन टेस्ट या स्लम टेस्ट से चेक करते हैं। तो इसको हम ऐसे ही क्यों बनाते हैं, ऐसे क्यों नहीं, ये क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में। तो इसका आंसर आपको देना है कि हम मेनली हमारा जो कोन टेस्ट स्लम टेस्ट होता है वो करते हैं हम उसकी वर्केबिलिटी जानने के लिए। लेकिन अगर हम उसको सिलेंड्रिकल रखते हैं तो उससे हम उसकी शेयर स्ट्रेंथ प्लस उसकी जो उसका मतलब गिरना जो होता है उसको बोलते हैं हम कोलैप्सिबिलिटी, मतलब कोलैप्स हो जा रहा है उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है कोलैप्स होने की, वो हम दो चीजें उसमें जान सकते हैं अगर हम उसको फ्रस्टम रखते हैं। अगर हम सिलेंड्रिकल रखते हैं कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन उससे हम सिर्फ उसकी वर्केबिलिटी जान पाएंगे और वो प्रॉपर वे से अपनी शेयर स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगा, ये इसलिए हम क्या करते हैं वो हमारा फ्रस्टम रहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जो मिनिमम थिकनेस ऑफ डीपीसी की मैं वीडियो लास्ट टाइम आपने डाली, मैंने देखी आपको, वो आपको काफी पसंद भी आई है, काफी लोगों ने उसके बारे में बात भी की है, सर वो काफी अच्छी वीडियो थी। तो वही चीज है, उसकी थिकनेस कितनी रखनी होती है हमें, डैम प्रूफ कोर्स क्या होता है आप देख सकते हो जाके वीडियो, वो 2 इंच या 50 mm आपको उसकी डीपीसी थिकनेस रखनी होती है। अगला क्वेश्चन है, बेन 1 बैग ऑफ सीमेंट बैग, मतलब एक मिनट सॉरी, इसमें वॉल्यूम, जो वॉल्यूम होता है सीमेंट बैग का, एक सीमेंट बैग है उसका इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था कि उसका वॉल्यूम कितना होता है, वो होता है 1.25 क्यूबिक फीट या 0.0347 mq। इसको मैं बता भी देता हूं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, इसको क्लियर करते हैं। आ जाओ, ये फार्मूला मैंने आपको कहा था कि गांड बांध के रख देना, ये फार्मूला आपको हर जगह काम आएगा। तो क्या फार्मूला, वेट इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये हर तरीके से आता है फार्मूला, वेट इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। कल मैंने डेंसिटी की बात की थी कि सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है, 1440 kg/m³। वैसे उसमें बताया है स्टील की, एग्रीगेट की, ब्रिक की, सबकी बताई है। तो अभी निकालते हैं कि एक 1 बैग सीमेंट
उसका वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम हमें निकालना है, वॉल्यूम यहां आ जाएगा, वेट के नीचे हमारा डेंसिटी चला जाएगा। वेट हमें पता होता है, एक सीमेंट बैग का वेट 50 केजी रहता है, 50 डिवाइड बाय डेंसिटी कितनी है 1440, तो हमारा कितना आ गया 0.0347 MQB। ये क्लियर हो गया आपको, बाकी लोग तो सिर्फ दिखा देंगे कि वन एक वॉल्यूम का बैग का कितना होता है, तो ये आप इजिली निकाल भी सकते हो, ये फार्मूला रहता है, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास एक MQB जगह है, एक मीटर उसकी हाइट है, एक मीटर लेंथ है, एक मीटर ब्रेथ है, तो उसमें कितने सीमेंट बैग आएंगे वो कैसे निकालेंगे। एक MQB, वन MQB डिवाइड बाय हमारा एक बैग का वॉल्यूम आ गया कितना है 0.3047, डिवाइड करेंगे उसको तो हमारा आ जाएगा एक MQB में हमारे 28.8 बैग सीमेंट होते हैं। ये भी निकल गया। ये दो चीजें आपको आपने पढ़ी तो होंगी, लेकिन निकालना नहीं आता होगा काफी इंजीनियर्स को, तो हम इस मेथड से इसको इजीली निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हम लिंटल प्रोवाइड करते हैं। लिंटल प्रोवाइड करने का मेन ही मकसद यही रहता है कि एक तो बिल्डिंग को टाई अप करके रखते हैं, दूसरा क्रैक्स के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं, और ओरिएंटल स्ट्रेसेस को भी बेयर करने का, जो हमारे लोड आता है ऊपर का स्लैब का या ऊपर स्टोरीज का, वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कॉलम्स में या उसमें लोड बेरिंग, अगर फ्रेम स्ट्रक्चर होगा या लोड बेरिंग स्ट्रक्चर होगा तो प्रॉपरली ब्रिक्स में डिवाइड हो जाता है। तो 150 mm मिनिमम आपको लिंटल की थिकनेस डालनी होती है, ये हमेशा ध्यान रखना, कितनी 150 mm और या 6 इंच। आगे बढ़ते हैं। अगला है लिंटल प्रोवाइडेड एट 2.4 मीटर। अगर हमारा उस लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है ब्रिक का है, तो उसमें आपको लिंटल कितने 2.4 मीटर पे आपको प्रोवाइड करना ही करना है, मस्ट प्रोवाइड करना है। आगे बढ़ते हैं। MS बार फॉर चेयर शुड नॉट बी, अगर हम जो चेयर बनाते हैं, जैसे मैंने कल बताया कि हर एक मीटर पे आपको चेयर प्रोवाइड करनी होती है, चेयर होती क्या दो अगर हमारी जाली है कोई भी, मतलब स्टील की, नीचे भी स्टील है, बीच में हमें ये हमें लगा लो ये 150 mm की हमारी स्लैब होने वाली है, ऊपर जाली आगे नीचे जाली आगे, दोनों को दूर रखने के लिए हम क्या करते हैं बीच में चेयर प्रोवाइड करते हैं। चेयर को आपका मिनिमम डाया कितना होना चाहिए 12 mm का, जहां आपको डाया वैसे प्रोवाइड करना है, जो भी आपका हायर डाया वहां यूज हो रहा है, अगर मिनिमम 12 mm तो रखना है, अगर वहां 32 mm का सरिया यूज हो रहा है, 25 mm का, तो 32 mm का आपको यूज करना है उसमें। आगे बढ़ते हैं। आगे है मिनिमम डाया इन स्लैब, स्लैब में जो मिनिमम डाया यूज करना होता है डिस्ट्रीब्यूशन बार में, वो 8 mm करना है। 8 mm से कभी भी 6 mm पे सरिया आपको नहीं जाना है, 8 mm मिनिमम डाया हो गया। एक आपको एक मिस्टेक मैं बताता हूँ, मैं कल एक साइड पे थे, मतलब जा रहे थे हम एक विजिट पे थे, तो उसी दौरान हमने एक दूसरी साइड थी वहां देखा कि जो सरिया था, ये कॉलम आ गया ना हमारा, मैं आपको समझा देता हूँ, ये टॉपिक नहीं था लेकिन मैं बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता है, जो अपना घर बनाने का सोच रहे हैं, तो ये गलती काफी की जाती है। ये कॉलम आ गया, ये बीम आ गया, जो ये सरिया रहता है ना इसमें, ये सरिया उन्होंने सीधा रखा था, मतलब इसमें ना तो कोई डेवलपमेंट लेंथ दी है, मतलब ये बेंड करना होता है आपको, प्रैक्टिकली आपको बताऊं, ये बेंड रखना होता है, ये ऐसे होना चाहिए आपका ऐसे, लेकिन वहां क्या था ये सीधा था, मतलब सीधा कॉलम में डाल दिया था। ये बिल्कुल सेफ नहीं है, इसको कोई एंकरेज नहीं मिलेगी, फ्यूचर में कभी काफी अर्थक्वेक वगैरह आया तो ये छोड़ देगा, मतलब जो स्टील होगा उसको कोई एंकरेज नहीं होगा, तो गिरने के चांसेस काफी हो जाते हैं। आपको डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करनी ही करनी है, कितनी करनी है, यहां से लेके जहां तक LD+10DB। जिन लोगों को नहीं पता है LD क्या है क्या नहीं है, तो मैं वीडियो डाल चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देखो उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, हमारा जो सीरीज कंटिन्यू थी, और ये सीरीज में और भी क्वेश्चन आने वाले हैं, 300 जो मैं टेक्निकल टर्म्स लाने वाला हूं वो भी इसी में मिलेंगे आपको। कल हमारी वीडियो आएगी स्लोप पे, कि हम स्लोप कैसे देते हैं, 1:100 दी होती है या 1:1000 दी होती है, ये स्लोप कैसे प्रोवाइड करनी है साइड पे, ये हम कल आपको बताएंगे। थैंक यू गाइस।